नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंटेसी दुनिया में। दोस्तों, वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इटाली वर्सेस नीदरलैंड इलेवेंस के बीच जो होने वाला है आज का दिन का फिफ्थ यूरोपियन क्रिकेट चैंपियनशिप का मैच। दोस्तों, ये चैंपियनशिप वीक का मैच है। अलग अलग ग्रुप में जो विनर्स थे ना, वो अपने में खेलेंगे ये चैंपियनशिप वीक में मैचेस। डिटेल्स में एनालिसिस आपको मिलेगा, छोटा सा वीडियो होगा बट इंफॉर्मेटिव होगा। इटली नीदरलैंड दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। बाकी टीम्स भी, बाकी जो तीन टीम है ना, सभी अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, बट एक और डिफरेंस है दोनों के बीच। क्या है कि नीदरलैंड के पास जो दो ओवर वाले बॉलर है ना, वो अक्सर आपको दो ओवर के बॉलिंग आपको करते हुए ना नहीं दिखेगा, बट इटाली के जो जेन्युइन दो ओवर वाले बॉलर है, मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, वो आपको जरूर दो ओवर करते हुए दिखेंगे। तो गाइस, जो मैच बनेगा वहीं पे बनेगा। अगर इटाली बॉलिंग फर्स्ट करता है मेरे हिसाब से ज़्यादा मैच बेटर होगा, बट अगर नीदरलैंड बॉलिंग फर्स्ट करता है तो थोड़ा मैच डिफिकल्ट बन सकता है। इनडेप्थ एनालिसिस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लाइक करके स्टार्ट रखना, ताकि जो हमारा मेहनत है उसको गाइस आप जरूर एक लाइक करो, कॉमेंट करो, आपके दोस्तों के साथ शेयर भी करो। और फ्यूचर में अगर डोमेस्टिक मैचेस खेलना है, एक्सचेंज 22 एंड कुबेरा जैसे अलग प्लेटफॉर्म जो नॉर्मल फैंटेसी से थोड़ा सा अलग है, अगर उस पर खेलना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ना नोटिफिकेशन बेल दबाओ। और टेलीग्राम पे मैं अपडेट दिया करूँगा एक्सचेंज 22 एंड कुबेरा का, तो टेलीग्राम ज्वाइनिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा ब्लू कलर का लिंक, जहाँ से आप इजीली टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हो। सिर्फ लिंक में आपको प्रेस करना है, चाहो तो कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा लिंक, सेम ब्लू कलर का लिंक जहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हो, और चाहो तो सर्च @ लगा के टीम्स FDF बिना कुछ स्पेस लगाते हुए। इस मैच के एनालिसिस में मैं आता हूँ, लाइक करके स्टार्ट रखना ताकि फ्यूचर अपडेट्स वगैरह आपके साथ शेयर हो जाए। नीदरलैंड से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इनसे देखोगे तो गाइस कोई भी बड़ा स्कोर आपको नहीं दिखेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसका क्लियर इंडिकेशन है। 162 अगर छोड़ दोगे तो ये जो है ना स्टार्ट सबको मिलता है, बट अटैकिंग इतना खेलता है कि कोई वो स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर पाते बड़े स्कोर में। बट ये T10 के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे तो 120-130 अगर मार दिया, ऐसा छोटे छोटे दो चार जो स्टार्ट मिलता है इनको, तो भी काफ़ी है। बट स्टिल आपका फैंटेसी टीम में रखने लायक प्लेयर क्लेटन फ्लॉयड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक है। मूसा अहमद हिट और मिस है, बट फिलहाल इन्होंने लास्ट 7-8 इनिंग्स से थोड़ा कंसिस्टेंसी दिखाया है। दो इनिंग्स अगर छोड़ दोगे तो बाकी में कंसिस्टेंट है, तो रख लेंगे हम लोग दोनों को, ठीक है। बोरिस गोल्डी सिर्फ और सिर्फ बैटिंग फर्स्ट में रखना है, क्योंकि अगर देखोगे तो 20 के आसपास ही स्कोर है, बहुत ज़्यादा स्कोर इनका है नहीं। रियान क्लैन देखोगे तो जनता इनके पीछे भागेंगे जरूर, बट मैं प्रेफर करूँगा जब ये बॉलिंग करेंगे तब लेना, फिलहाल ये सिर्फ बैटिंग करा रहा है, ठीक है। सेबास्टियन ब्राटी, रियान क्लैन जितना हिटिंग करा सकता है ना, उतना सेबास्टियन ब्राट भी करा सकता है, बट सेबास्टियन ब्राट आपको दो ओवर कंसिस्टेंटली दे रहा है फिलहाल, तो मैं सेबास्टियन ब्राट को प्रेफर करूंगा ओवर रियान क्लैन। सकीब जुल्फिकर लास्ट मैच में कुछ खास किया नहीं था, बट जिसने खास किया था ना वो खास प्लेयर है सिकंदर जुल्फिकर। आइडियली इनको ऊपर भेजना चाहिए, बहुत बहुत अच्छा हिटर है, कमाल का 90+ इनका एवरेज है, बट इन्होंने बहुत लास्ट मैच में नीचे खेला था, बट स्टिल अच्छा क्रिकेट खेला। ओलिवर एलन बेस्ट ने अच्छा हिटिंग कराया। विवियन किंगमा दो ओवर डालने वाले बॉलर, क्योंकि इंटरनेशनल बॉलर है। उदित नशेन ने दो ओवर डाला था, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डिफेंशियल, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स आप ट्राई कर सकते हो उदित नशेन को अपनी टीम में। ये इनके कुछ प्लेयर्स है, ओपनिंग बॉलिंग कौन है, विव किंगमा, सेबास्टियन ब्राट, क्लेटन फ्लॉयड, सेबास्टियन ब्राट, क्लेटन फ्लॉयड और सिकंदर जुल्फिकर आपको डेथ में करते हुए दिखेगा। ध्यान देना सिकंदर के ऊपर, ये प्लेयर अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा बैट्समैन है, बैटिंग से इनको यूज़ कराया नहीं टीम लास्ट मैच में। ये इनके पास के रिकॉर्ड है फिलहाल, तो बहुत ज़्यादा मायने देगा नहीं। इटाली से अगर देखोगे, इटाली करेंटली एक मैच खेल रहा है जहाँ पे रजमनी सिंधु ने सिर्फ एक बनाया था बट रनआउट थे। अमी शरीफ ने 17 रन का स्टार्ट अच्छा मिला था इनको, बट कन्फर्म नहीं कर पाया, दोनों बॉलिंग नहीं करा रहा है सिर्फ बैटिंग करा रहा है। बलजीत सिंह आपको हिटिंग कराते हुए दिखेंगे, वन डाउन साथ साथ बॉलिंग भी करा लेते हैं पार्ट टाइमिंग। देखोगे तो तीन मैच में इन्होंने बॉलिंग कराया, अच्छा बॉलिंग कराया, सिर्फ एक मैच में विकेटलेस थे। उमर गुज्जर करेंटली मैच चल रहा है जहाँ पे इन्होंने 53 रन का नॉक खेला मिडल ऑर्डर में, साथ साथ ये दो ओवर कंसिस्टेंटली दे रहा है, तो उमर गुज्जर आपके लिए डेफिनेट पिक है और कैप भी इस मैच में बना सकते हो। स्पेशली उमर गुज्जर को गैस अगर कैप्टन बनाना है तो बैटिंग फर्स्ट में बनाओ। रीज़न एक ही है कि गैस उमर गुज्जर आपको बैटिंग फर्स्ट में कुछ बैटिंग से पॉइंट देंगे, फिर उसके बाद एक विकेट निकाल लिया तो बढ़िया पिक हो जाएगा। क्रिशन कलगुमा के करेंटली जो मैच चल रहा था उसका सिर्फ एक इनिंग्स, जब इटाली का बैटिंग हुआ उसके बाद मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा। क्रिशन कलगुमा के बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज बॉलर, तो बॉलिंग फर्स्ट कैप वी से बनाओ, सेकेंड इनिंग्स में सिर्फ टीम में रखा करो। अनिक अहमद एक हिटर है, कभी कभार बॉलिंग करा लेता है। सिकंदर अब्बास ये जो प्लेयर है ना, इनको गुच्छे में विकेट लेते हुए दिखोगे, कब दिखोगे, जब बॉलिंग फर्स्ट होगा, सेकेंड इनिंग्स में
एस प्लेयर रख सकते हो, बट बॉलिंग फर्स्ट डिफरेंशियल गैप भी से रखना क्योंकि डेथ ओवर डाल रहा है। जगमीत सिंह मिलो ओवर डालता है, 4 विकेट निकाले थे अपने लास्ट फाइनल मैच में स्पेन, जहाँ पे अच्छा क्रिकेट खेल के स्पेन विन करके आ रहा है, ठीक है। जगमीत सिंह, हसन अली पावर प्ले के बॉलर है, तो गाइस पावर प्ले में अक्सर ओपोनेंट के बेस्ट बैट्समैन बैटिंग करता है, तो गाइस इनको इग्नोर कर सकते हो क्योंकि मुझे डेथ बॉलर ज़्यादा टारगेट करना पसंद है। उस टाइम पे फील्ड भी खुला रहता है और कंपेयर टू पावर प्ले के बैट्समैन अगर देखोगे टॉप ऑर्डर बैट्समैन, डेफिनेटली हर एक टीम अपना बेस्ट प्लेयर को टॉप ऑर्डर में रखता है, तो लोअर ऑर्डर में विकेट थोड़े से ज़्यादा गिरते हैं कंपेयर टू टॉप ऑर्डर। ओपनिंग बॉलिंग हसन अली, उमर गुस्सर, जगमीत सिंह, डेथ में सिकंदर अब्बास, अनिक अहमद, किशन कलू कमागे करते हुए दिखेंगे, ये इनके पास के रिकॉर्ड है। दोस्तों ये रहेगा मेरा फिलहाल टीम, जहाँ पे देखोगे तो केलेटन फ्लैट कैप्टन है फिलहाल, जो डिफॉल्ट है सबका। वाइस कैप्टन गुज्जर बैटिंग फर्स्ट, सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग होगा तो मत बनाना कैप वीसी। एम अहमद बी सिंह हमारे पास, किशन गलुगमागे, सिकंदर जुल्फिकर डिफेंशियल पीक है हमारे पास, विव किंगबा, सेबास्टियन ब्राट हमारे पास है, जगमीत सिंह, सिकंदर अब्बास। बॉलिंग फर्स्ट होता है इनका, तो इनको भी वीसी बना सकते हो आप। तो ये रहेगा मेरा फिलहाल अपडेट। हाँ डेफिनेटली बॉलिंग फर्स्ट इनको भी वीसी बना सकते हो, सेफ होगा इनको पंत वीसी बनाना सिकंदर अब्बास, ठीक है। तो ये रहेगा फिलहाल अपडेट, कोई भी और अपडेट होगा डिफरेंशियल पीक डेमो टीम मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ टेलीग्राम पे, तो जरूर आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं मैच टाइम पर।